कई बार व्यक्ति कई तरह की परेशानियों से जूझ रहा होता है, उसे समझ नहीं आता है कि उसके साथ हुआ क्या है। ज़्यादातर लोगों को पितृदोष का सामना करना पड़ता है। जब व्यक्ति के पिता और उसके बीच कलह हो रही हो और वह एक ही घर में ठीक से रह ना पाए या कोई व्यक्ति पिता ना बन पाए, तो यह पितृदोष के संकेत हो सकते हैं। देखिए, बड़ा आसान तरीका, आसान तरीके आराम से समझ में आ जाते हैं, है ना। तो सबसे बड़ी बात ये होती है, पितृदोष आज के टाइम में कॉमन चीज़ है, हमेशा ही से कॉमन चीज़ रही है पितृदोष। ये रामचंद्र जी की कुंडली में भी रहा, तो इसीलिए जो है राम और राम के पिता एक छत के नीचे नहीं रह पाए। तो अगर आपकी कुंडली में पितृदोष है तो आपको पिता होने में कठिनाई रहेगी और आपके पिता को कठिनाई रहेगी, संतान संबंधित इच्छाएँ जो है वह आप पूरी नहीं कर पाएंगे। पिता और पुत्र एक छत के नीचे रह के तरक्की नहीं कर पाएंगे, दूर रहना पड़ेगा उनको। अगर दोनों एक साथ रहेंगे तो दोनों के बीच में टकराव बना रहेगा। अगर पितृदोष है तो पिता होने में कठिनाई और पिता को कठिनाई, पिता और पुत्र एक छत के नीचे तरक्की नहीं करेंगे, साधारण सी बात है, तो घर में बरकत आएगी नहीं। अगर कुंडली के हिसाब से देखेंगे तो सूर्य और शनि अगर एक साथ बैठे हों, जैसे वर्तमान कुंडली में है, वर्तमान लग्न में है, इसमें सूर्य और शनि एक साथ बैठे हुए हैं गोचर में, तो ये पिता और पुत्र दोनों का टकराव बता रहे हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं आंदोलन हो रहा है आज के टाइम में, तो शनि जो है ये किसान है, श्रमिक है, और सूर्य सरकार है, इनका टकराव बना हुआ है। आगे यही सूर्य जब चेंज होके राहु के साथ आएगा तो भी पितृदोष बना रहेगा। पितृदोष होते ही समझिए कि पिता और पुत्र में टकराव, सरकार और प्रजा में आपस में टकराव, विरोध ये शुरू हो जाता है, आपस में आंतरिक कलह ये शुरू हो गया। सरल सी सरल उपाय होते हैं, उपाय भी सरल होते हैं। पितृदोष को अगर और गहराई से हम समझेंगे तो पितृदोष आपके DNA से आ रहा है। जैसे आप पैदा होते हैं आपकी कुंडली में स्थित ग्रह जो है पितृदोष निर्मित कर देते हैं, यानी कि पिछले जन्म से कहानी चली आ रही है, और जब आप इस जन्म में दोबारा से पैदा हुए हैं, पुनर्जन्म हुआ है, तो ये सारी के दोष जो है स्थाई है। तो इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, गंगा, गीता और गायत्री तीन चीज़ों का सहारा लेंगे। तो गंगा स्नान करने से क्या होगा, जो पितर आपके मुक्त नहीं हुए वो मुक्त होना शुरू हो जाते हैं। पितृदोष में क्या है कि जो आपके पितर हैं, इनसेंट फादर हैं, वो कोई मुक्त नहीं हो पाए तो वो आपके जीवन को इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। आपको पता ही नहीं लगता है मेरे साथ हो क्या रहा है, मैंने तो कुछ और सोचा था लाइफ में, हो कुछ और रहा है, जीवन में एक भटकाव पैदा होना शुरू हो जाता है। और साथ ही साथ आपका दूर के विजन को लेकर के स्पष्टता ख़त्म हो जाती है, विजन आपके कल्याण में होते हैं लाइफ के। तो जैसे आप गंगा स्नान करते हैं, अमावस का दिन सबसे बेस्ट है क्योंकि यही दिन पितरों का भी है, तो आप गंगा स्नान करिए और मिट्टी का घड़ा जो है गंगा जी प्रोवाइड कर दीजिए, तो इससे सात तरह के पितरों का निवारण हो जाता है। तो आपकी जो राशि है उसी नंबर के अध्याय को आप आत्मसात करना शुरू कर दें। तो गायत्री मंत्र का अच्छे से दीक्षा लें, उसको लिखें, लिखने से ज़्यादा फायदा होगा बजाय उच्चारण करने। लोकल 18 के लिए देहरादून से हिना आजमी की रिपोर्ट।